Hello everyone, welcome to the ETABS full course basic to advanced tutorial series, and this is the first video and we use ETAB 2016, 18, 19, 20, no difference between these versions. Okay, so we use in this training ETAB 2016. This is the screen of ETAB और इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका न्यूज पैनल है. यहाँ पे आप क्रिएट मॉडल और एग्जिस्टिंग मॉडल को ओपन कर सकते हो और अगर इस पर क्लिक करते हो तो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होती रहेगी. और ये सभी आइकन अभी लॉक हैं क्योंकि अभी हम न्यू प्रोजेक्ट पे नहीं गए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो न्यू प्रोजेक्ट और न्यू मॉडल. व्हेन वी क्लिक ऑन न्यू मॉडल अ विंडो अपीयर. इन दिस विंडो ही आस्क which type of unit you select for your project. Okay, this is first video. If you like this video, please subscribe, share, and you can pay as if you want to support my work by Paytm or by Google Pay. Any amount, 1 rupee to 1 crore rupee. Okay, let's start. So, and when we click on new model, this window is appear. In this window, we have three options. हमारे पास तीन options हैं इस window में. First है use save user default setting. It means if we click on this, is it takes a default setting. Default setting इस software में जो है वो USA की units हैं, तो वो ले लेगा ये. अगर हम use setting from model file, इस second option को हम लेते हैं, तो second option में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट पहले से पड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि उसकी सेटिंग्स आ जाएं, तो केवल ये वहां से सेटिंग लेगा, उस प्रोजेक्ट को ओपन नहीं करेगा. एंड द थर्ड ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम लेते हैं मैट्रिक, देन स्टील सेक्शन डाटाबेस इज IS 4800-2007, इंडियन कोड फॉर स्टील एंड फॉर कंक्रीट IS 456. ओके, आफ्टर दिस सिलेक्शन you have to click on OK. तो OK करने पर एक विंडो आती है, ये है आपकी ग्रिड विंडो. अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिविल इंजीनियर्स की में एक आपका स्कोप होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस डिजाइनर का, जो सॉफ्टवेयर पे आपको बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को एनालाइज और डिजाइन करता है. तो जो सॉफ्टवेयर है मार्केट में, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं. तो जो दो फेमस सॉफ्टवेयर हैं किसी एक बिल्डिंग टाइप के स्ट्रक्चर को एनालाइज और डिज़ाइन करने के लिए, वो है स्टैट प्रो एंड ETAB. ठीक है, ETAB स्पेशली आपका टॉल बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है और केवल बिल्डिंग्स. ETAB में आप बिल्डिंग के अलावा कुछ भी नहीं बना सकते, केवल ओनली फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर ETAB वी यूज़. ओके, जो आपका बुर्ज खलीफा है वो ETAB सॉफ्टवेयर से ही डिज़ाइन हुआ था. उसका स्ट्रक्चर की बात हो रही है, केवल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो मेनली ये टॉल स्ट्रक्चर के लिए है. तो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के, फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको उस स्ट्रक्चर जैसा एक 3D मॉडल बनाना होता है. ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद लोडिंग, उसके बाद अदर थिंग. तो अब 3D हमें मॉडल बनाने के लिए ETAB में हमें ग्रिड सिस्टम यूज़ करना पड़ता है, यानी कि एक फ्रेमवर्क, यानी कि एक इमेजिनरी लाइंस जो हमारे स्ट्रक्चर के जैसी दिखेंगी या लगभग देखेंगी उसी डायमेंशंस की. हमको पहले वो क्रिएट करनी होगी, फिर उसके ऊपर ड्रॉ करना होगा अपना स्ट्रक्चर. तो वो ग्रिड लाइन, वो ग्रिड फ्रेम बनाने के लिए ये सेटिंग है. तो हम बात करते हैं इस फर्स्ट बॉक्स की. इस ट्यूटोरियल सीरीज का आपको फायदा ये है कि इसमें एक एक चीज बताई जाएगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज स्किप किया जाएगा, मेन मेन चीजें बताई जाएगी. नहीं, इस पूरी सीरीज में एक एक टूल आपको बताया जाएगा. तो फर्स्ट आप देख सकते हैं ग्रिड सेटिंग में जो फर्स्ट बॉक्स है, ये है ग्रिड डायमेंशंस प्लान. ठीक है, अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म है, 4-4 मीटर, 5-5 मीटर के ही स्पैन है, कोई स्पैन की लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, यूनिफॉर्म है, रेगुलर है, तो उसकी ग्रिड भी यूनिफॉर्म होगी. तो उसकी ग्रिड अगर यूनिफॉर्म आपको डिफाइन करनी है तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से आप स्टोरेज की हाइट कर सकते हैं. उसी के साथ एक ऑप्शन और है, अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म ग्रिड सिस्टम है तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्टोरेज डाटा है तो यहाँ से हम चेंज करेंगे. और ये क्या, ये डिफ़ॉल्ट कुछ ग्रिड सिस्टम बने हुए हैं. आप जैसे कि आप देख सकते हो
इस पर ब्लैंक आएगा, इस पे ग्रिड आएगी, केवल इस पे स्टील डेक बना हुआ आएगा एक। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर की ग्रिड और स्ट्रक्चर के साथ पहले से बनाएगा, आप उसको मॉडिफाई करके एनालाइज कर सकते हो। स्टैट प्रो में भी आपका स्ट्रक्चर विजार्ड इसी तरह का काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले बॉक्स की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है यूनिफॉर्म ग्रिड सिस्टम। एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ग्रिड होता क्या है। मान लो ये एक बीम है, रफ ड्राइंग के लिए, मतलब रफ ड्राइंग बना रहा हूँ, माउस यूज कर रहा हूँ तो उस पर एतराज मत करना, ठीक है। ये एक बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम, 5 मीटर का इसका स्पैन है। अभी 5 मीटर का ये ड्रॉ करने के लिए, ये बीम बनाने के लिए मुझे ग्रिड चाहिए होगी, एक 5 मीटर की ग्रिड चाहिए होगी ऐसे, ठीक है, और एक ग्रिड ऐसे चाहिए होगी, ठीक है। अगर मैं इसका एक्स वाई निकालूं तो दो लाइन ये हमारी एक्स के ऊपर है और एक लाइन हमारी वाई के ऊपर है। इसमें एक लाइन नहीं होगी, इसमें हमेशा दो लाइन होगी, ठीक है, एक्स के ऊपर भी वाई के ऊपर भी। तो मुझे एक ग्रिड ऐसी बनानी होगी जिसमें 5 मीटर मुझे स्पेस मिल जाए, जिसके ऊपर मैं ड्रॉ कर सकूं, ठीक है। अभी और देखते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं। लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्रिड लाइन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस के ऊपर है लाइन, कितनी लाइन है, चार, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वाई के ऊपर भी चार है जो डिफॉल्ट है, ये वाई एक्सिस है आपका, एक तो वाई के ऊपर ही है एक्स में, 1 2 3 4, तो ये ग्रिड सिस्टम बन गया। इनकी स्पेसिंग कितनी है, 8 8 मीटर, सभी की स्पेसिंग 8 8 मीटर। अब मेरे को अगर 8 मीटर का कोई बीम बनाना है तो मेरे पास स्पेसिंग है 8 मीटर, मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर लूंगा, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो आप। इस ये ग्रिड 3 स्टोरी की ग्रिड है और काफी इसमें 4 स्पैन है, 4 स्पैन है 8 8 मीटर के, लेकिन मुझे एक बीम बनाना है 8 मीटर का तो भी मैं इस पे बना लूंगा, मुझे और किसी ग्रिड का मतलब ही नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि एक बीम सिंगल है तो आपको सिंगल ग्रिड बनानी, नहीं, आप एक ऐसी ग्रिड डिफाइन कीजिए जिसमें बस आपको एक 8 मीटर का स्पैन मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए वहां आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको इसको आप समझ लीजिए, 8 याद कर लीजिए, 4 4 8 8, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरेज 4, जिनकी स्पेसिंग है बेसिक बेस और टॉप टिपिकल 3 3, इनको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको ओके करता हूं, तो देखिए ये आ गई विंडो। अब थोड़ा सा इसका इंटरफेस समझ लेते हैं, फिर इस ग्रिड को समझ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ओके, तो वहां पर नंबर ऑफ लाइन इन एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है, इसके ऊपर जो लाइन है 1 2 3 4, और ये वाई डायरेक्शन है, उस पे 1 2 3 4, और सबकी स्पेसिंग क्या है दोनों डायरेक्शन में, 8 मीटर 8 मीटर, ठीक है। ये प्लान है, टॉप व्यू प्लान होता है आपका, टॉप व्यू ऊपर ऊपर से दिख रहा है ये। और अगर हम यहाँ 3D में देखें तो वहां पर था 4 स्टोरे, तो 1 स्टोरे 2 स्टोरे 3 स्टोरे 4 स्टोरे, ग्रिड हमारी थोड़ी सी लाइट होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है थोड़ी सी, ठीक है। 4 स्टोरे और 3 मीटर ईच फ्लोर की हाइट है, और टॉप से टॉप वाला जो प्लेन है, ये वाला टॉप वाला प्लेन है, ये दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे बॉटम वाला प्लेन देखना है, अगर मुझे बॉटम वाला प्लेन देखना है, ये वाला यानी कि 3rd स्टोरी देखना है, 4 स्टोरे है ना, मुझे 3rd स्टोरी देखना है यहाँ पे, तो मैं कुछ नहीं है डाउन की पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। अब ये 3rd स्टोरी है, लेकिन पता कैसे चलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो हाइट, स्टोरेज 3rd, यहाँ पे आप डाटा देख सकते हो, जैसे जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे 2 1, और ये बेस, तो उसी तरह से चल जाएगा। तो आपके पास ये एक प्लान व्यू है, ये 3D व्यू है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो और भी व्यू, ठीक है, एलिवेशन व्यू, यहाँ पे आपका मॉडल एक्सप्लोर है, यहाँ से रिपोर्टिंग आ सकते हो, और ये कुछ आइकन्स है जिसे हम यूज करेंगे, और इधर भी हमारे मॉडलिंग के आइकन्स है, ठीक है। तो दोबारा से हम न्यू मॉडल करते हैं 9, और हम ये इंडियन ले लेते हैं, ओके ओके। तो अब सबसे पहला आपके पास क्या होता है, एक सिंपल सपोर्टेड बीम बनाना है हमें 4 मीटर का, एक सिंपल सपोर्टेड बीम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पेसिंग जो है 8, उसको 4 कर दूंगा केवल एक्स में, वाई में मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे एक्स में बनाना है बीम, ठीक है। अब मैं इसको ओके करता हूँ,
4 मीटर का सिंपल स्पॉट बीम बनाना। तो देखो इस ग्रिड में मेरे पास कितने सारे 4 4 मीटर के स्पैन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टॉप पे एक 12 है, फिर यहाँ इस वाले प्लेन पे 12 होंगे, इस पे प्लेन 12 होंगे, इस पे 12 होंगे, तो इतने सारे मेरे पास हैं, 12 5 60 12 48, मेरे पास 4 4 मीटर के स्पैन है। कहीं भी मैं अपना एक बीम ड्रॉ करके उस पर लोडिंग लगा के सपोर्ट लगा के एनालाइज कर सकता हूँ। तो जरूरी नहीं है हमें बीम के अकॉर्डिंग ही पूरा एक ग्रिड बनाना, ठीक है? ये तो आपकी हाइट भी हो जाती है, कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो ये हाइट हो जाती है। मेरे में ये हाइट नहीं होगी क्योंकि कंट्रोल डी पे मैंने ये जो आपका पेन, जो स्क्रीन पे पेन चला रहा हूँ मैंने, ये मैंने सेट किया हुआ है, तो कंट्रोल डी मेरे इसमें काम नहीं करेगा। आप प्रेस करोगे कंट्रोल डी तो ये जो ग्रिड है वो हाइट भी हो जाती है। मान लो हमने 4 मीटर का बीम यहाँ पर बनाया और फिर कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये हाइट हो जाएगी, केवल यहाँ बीम होगा, फिर आप इसमें काम करते रहिए, ठीक है? नेक्स्ट, दोबारा से न्यू मॉडल करते हैं। ओके, अब मेरे को एक बीम बनाना है जिसमें दो स्पैन है और दोनों की लेंथ अलग अलग है, ये है 4 मीटर और ये है 5 मीटर। अगर दोनों की लेंथ, स्पैन लेंथ 4 4 मीटर होती तो यहाँ पर मैं 4 मीटर डाल देता और मेरे को 4 4 मीटर के मिल जाते, है ना? लेकिन दोनों की अलग है, तब हम किस में जाएंगे, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग। कस्टम ग्रिड में एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अब देखिए इस ट्रेनिंग का यही फायदा है कि इस ट्रेनिंग में ये नहीं कि मैं यहाँ पे एक चीज चेंज करके बताऊंगा, इस पूरी विंडो को हम एक एक करके आगे सीखेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो ये इसलिए है कि आप इसको देख के समझें कि अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी लग रही है तो मैं कंटिन्यू करूं, और आप कुछ पे कर सकते हैं तो पे कर दीजिएगा मेरे को इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। इसी तरह की वीडियो आगे एडवांस तक चलेगी, अगर आपको मेरा तरीका सही समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, लाइक कर लेना। तो देखिए यहाँ पे ग्रिड जो हमारी है, डिफॉल्ट ग्रिड वो यहाँ पे आ रही है, जो ABCD 1 2 3 है ना, ये IDs हैं, ये एक्स डायरेक्शन वाली की ABCD Z तक है, उसके आगे बढ़ जाएगी, और ये 1 2 3 IDs हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये ID एक्स डायरेक्शन की है और ये वाई डायरेक्शन है। हमें चाहिए था एक 4 मीटर एक 5 मीटर का, तो यहाँ पे फर्स्ट 0 है, दूसरा 8 मीटर है, तो मैं दूसरे को कर देता हूँ 4 मीटर, ठीक है? क्योंकि ऐड होते जा रहा है ना, इसमें ऑर्डिनेट्स हैं, तो 4 के बाद मेरे को चाहिए नेक्स्ट स्पेन 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9। और कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मैम समझाने का कि हम इस पूरे पैनल को समझेंगे, लेकिन अभी केवल उस बीम के लिए मैं दो चीज बता रहा हूँ, उसके बाद आगे समझेंगे ये बबल साइज क्या है, ये सब क्या है, ये बटन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये लॉक क्यों है, हर चीज को समझेंगे। बट अभी केवल हम इसको समझते हैं कि मैंने यहाँ पे, या मैं वाई में भी कर सकता था, बीम कहीं भी बना सकता हूँ, एक्स वाई में, तो मैंने 4 मीटर और 9 मीटर कर दिया, 5 4 9, ओके कर दिया, और ओके। अब देखिए यहाँ पे मेरे को एक स्पेसिंग मिल गई 4 मीटर और एक 5 मीटर, मैं अपना बीम यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ और ग्रिड को हाइड कर दूंगा, तो मेरे को 2 स्पैन वाला मिल जाएगा। तो इसी तरह आप कितने भी स्पैन वाला अलग अलग डिफरेंट स्पेसिंग का बना सकते हो, अगर यूनिफॉर्म स्पेसिंग है तो आपको कस्टम पे जाना नहीं है, ठीक है? ओके, तो आज मैं इस वीडियो में केवल एक सिंपल सपोर्टेड बीम पे लोड लगा के एनालिसिस करके उसका रिजल्ट बताने वाला हूँ, ठीक है? ये एक ट्रायल वीडियो है कि मैं ऑनलाइन पूरा कोर्स निकालूं कि नहीं निकालूं, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि इसके व्यू कितने आते हैं, इससे मुझे पेमेंट कितनी आती है, लोग अपनी खुशी से कितना मेरे सपोर्ट को करते हैं, मेरे वर्क को, और इसके कितने व्यू आते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आगे मैं कितनी वीडियो और कहाँ तक मैं इसको बनाऊँ, ठीक है? ट्रायल वीडियो है ये, तो चलिए मेरे को बनाना है एक बीम, ये है एक बीम, इस बीम की स्पेसिंग है 10 मीटर, आप इस बीम को याद करना, ये रोलर सपोर्ट है, सिंपल सपोर्टेड बीम वो बीम होता है, थोड़ा टेक्निकल भी बात करेंगे बीच बीच में, टाइप्स ऑफ बीम में फिक्स बीम, कैंटिलीवर बीम, सब में एक होता है सिंपल सपोर्टेड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम का मतलब होता है वो बीम जो एक किसी सपोर्ट पे सिंपली रखा है, उस सपोर्ट के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, और जब कोई कनेक्शन नहीं है तो मूवमेंट ट्रांसफर नहीं होगी, यानी कि सपोर्ट पे मूवमेंट जीरो होगी, ठीक है? अगर आप दो वॉल्स के ऊपर, ये दो वॉल्स हैं, सॉरी ये दो वॉल हैं, इनके ऊपर एक बीम बना के रख देते हो तो ये सिंपल सपोर्टेड हो गया, ठीक है? अगर यहाँ पे हम इसके इसके अंदर स्टील हम इसके अंदर भी डाल दें, बीम के अंदर और इस कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, फिक्स जॉइंट हो जाएगा, और ये इसकी मूवमेंट, इसको इसकी मूवमेंट, इसको, और जॉइंट पे मूवमेंट जनरेट हो जाएगी, इसलिए तो ये सिंपल सपोर्टेड नहीं होगा, फिर फिक्स बीम हो जाएगा, तो सिंपल सपोर्टेड की ये खास बात है। तो 5 मीटर, सॉरी 10 मीटर का बीम
पिन सपोर्ट, रोलर सपोर्ट है, इसके ऊपर एक ही लोड लग रहा है, कितना, 20 किलो न्यूटन। तो आपका जो रिएक्शन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। किसी भी बीम पे अगर सपोर्ट यूनिफॉर्म है और लोड भी यूनिफॉर्म लगा हुआ है, तो रिएक्शन निकालने का सिंपल तरीका है, लोड का हाफ कर दो टोटल लोड का। तो 20 है, सेंटर पे लगा हुआ है, तो हाफ हाफ हो जाएगी, कितना हो जाएगा हाफ हाफ, यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होगी 10 किलो न्यूटन और यहाँ पे 10 किलो न्यूटन। चलिए इसको बनाते हैं। अभी मैंने इसके क्रॉस सेक्शन की मटेरियल की बात नहीं की है, जो बहुत डीपली उसमें हम घुसेंगे। ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी, एडवांस सिज्मिक प्रॉपर्टी तक हम मटेरियल की चेंज कर सकते हैं, वो सब इसमें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट मटेरियल भी बना सकते हैं इसमें, उन सब की बात आगे चलेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है, व्यूज पे डिपेंड करता है। अगर आपको उसके व्यूज बढ़ाने हैं, आप चाह रहे हो कम है, तो आप शेयर कर सकते हो उसको, क्योंकि तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस वीडियो को आगे, इस सीरीज को आगे बनाऊंगा। तो चलिए, न्यू मॉडल 10 मीटर का बीम है, याद रखिएगा। कस्टम ग्रिड में हमें यूनिफॉर्म ग्रिड में, बस यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, एक बीम चाहिए मेरे को। ओके ओके, ये ग्रिड मिल चुकी है, 10 मीटर का एक स्पैन है, यहाँ पर ही हम बना लेंगे इसको। अब हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ से पहले हमें पता होना चाहिए कि बीम का मटेरियल क्या, अभी केवल बेसिक है, ठीक है। मैं अभी जल्दी से मटेरियल बना दूंगा, डिफाइन कर दूंगा, क्रॉस सेक्शन भी डिफाइन कर दूंगा, बट वो डीपली नहीं है, वो डीपली आगे वीडियो में आएगा। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है ग्रिड डिफाइन कर लेनी, उसके बाद मटेरियल। तो मटेरियल के लिए हमें जो डिफाइन बटन है, आपको यहाँ जाना होगा, यू हैव टू गो दिस डिफाइन बटन, ओके, डिफाइन एंड मटेरियल प्रॉपर्टी एंड एड न्यू प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको एड न्यू प्रॉपर्टी, न्यू मटेरियल सॉरी, एंड यू सिलेक्ट योर कंट्री इंडिया, कॉन्क्रीट M25 एंड ओके। आफ्टर ओके, यू इफ यू वॉन्ट चेंज एनी प्रॉपर्टी ऑफ M25 कंक्रीट, दिस इज द टाइटल नेम ऑफ द कंक्रीट, दिस इज द कंक्रीट मटेरियल टाइप, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, कलर ऑफ मटेरियल, दिस आर द प्रॉपर्टीज, दिस आर द मटेरियल डिजाइन प्रॉपर्टीज, नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, डैम्पिंग प्रॉपर्टीज, वी हैव डिस्कस ऑल थिंग्स इन ऑल डिटेल ट्यूटोरियल्स। ओके, नाउ वी हैव क्लिक ओके, दिस इज इन दिस लिस्ट, यू कैन चेक M20 कंक्रीट, M25 ओके। नाउ वी हैव टू डिफाइन अ क्रॉस सेक्शन, डिफाइन फर्स्ट ऑप्शन इज मटेरियल, द सेकेंड ऑप्शन इज क्रॉस सेक्शन, सेक्शन प्रॉपर्टीज, एंड सेक्शन प्रॉपर्टीज वी चूज फ्रेम सेक्शंस एंड एड न्यू एंड चूज रेक्टेंगुलर, बट यू कैन सी हियर इज मैनी सेक्शन वी डिस्कस इन लेटर वीडियोज। तो क्रॉस सेक्शन ये आ गया। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं बीम, टाइटल बीम एंड सिलेक्ट मटेरियल इज M25 एंड द डेप्थ एंड विड्थ रेशियो ओके, डिफॉल्ट दिस इज द बीम द लिस्ट ओके, एंड दिस आर द आइकन फॉर ड्रॉइंग। फर्स्ट आइकन इज द ड्रॉइंग बीम, फर्स्ट आइकन से आप बीम ड्रॉ करोगे, लेकिन ये नोट टू नोट क्लिक करना पड़ेगा, यानी अगर मैं इस पे लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा इस जॉइंट पर, और फिर इस जॉइंट पर क्लिक करना होगा, तभी एक बीम बनेगा। लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन है, इससे मुझे केवल ये ग्रिड के अकॉर्डिंग बीम बनाएगा, यहाँ क्लिक करूंगा मैं और बीम बन जाएगा 10 मीटर का, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से देखिए, मैं यहाँ क्लिक करके ऐसे बनता है, और अगर मैं सेकेंड वाले की बात करूँ तो सेकेंड वाले से ग्रिड के अकॉर्डिंग केवल यहाँ क्लिक करना है। बट बिफोर क्लिक, जब आप सिलेक्ट कर लोगे इसको आइकन को, सबसे पहले आपको ड्रॉ आइकन सिलेक्ट करना है, देन चेंज प्रॉपर्टी फ्रॉम हियर, बीम जो हमने बीम बनाया था, क्रिएट बीम, बीम देन क्लिक हियर ओके। नेक्स्ट स्टेप इज सपोर्ट सिस्टम, तो सिलेक्ट द बोथ जॉइंट, ओनली वन जॉइंट, बिकॉज वन पर जॉइंट इज पिन एंड अदर इज रोलर, सेलेक्ट जॉइंट, यू कैन सी इन द 3D वीडियो, गो टू असाइन जॉइंट्स, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट जॉइंट एंड रिस्ट्रेन मीन्स सपोर्ट्स, एंड सेलेक्ट हेयर पिन सपोर्ट, देन अगेन सेलेक्ट अदर जॉइंट, गो टू द असाइन जॉइंट्स रिस्ट्रेन एंड रोलर सपोर्ट, थर्ड इज रोलर, फर्स्ट इज फिक्स, वैन यू क्लिक ऑन फिक्स द ऑल ट्रांजिशन इज रेस्ट्रिक्टेड, when you click on pin, when you click on roller, you can see how many transition is available. okay, roller select is select, now select the frame,
दिस इज द फ्रेम, बीम एंड कॉलम वी सेइंग फ्रेम इन द टैब्स, सेलेक्ट असाइन एंड फ्रेम लोड्स एंड पॉइंट लोड, वी चूज डेड लोड, ग्रेविटी लोड एंड वी सेलेक्ट एब्सोल्यूट डिस्टेंस एंड सेलेक्ट हेयर 5 मीटर एंड हेयर 20 किलो न्यूटन. ओके, वी डिस्कस लेटर अबाउट दीज ऑल थिंग्स. इट इज लोड पैटर्न, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, दिस इज फोर्स और मूवमेंट, दिस इज ग्रेविटी और अदर डायरेक्शन. यू आई वॉन्ट टू अप्लाई लोड इन अदर डायरेक्शन, यू एड एग्जिस्टिंग लोड और रिप्लेस और डिलीट, दिस आर थिंग. एंड ओके, द लोड इज नाउ इज अप्लाई, इफ नॉट नॉट शोइंग, यू हैव टू क्लिक हियर एंड ओके. दिस आइकन फॉर शोइंग फ्रेम लोड, दिस आइकन, इस आइकन से फ्रेम लोड शो हो जाते हैं. ठीक है, बस कंप्लीट. नाउ यू हैव टू एनालाइज बाय दिस आइकन एंड ही आस्किंग फॉर सेव द फाइल ई टैब्स 1 एंड ओके. Wait 1-3 minutes. Okay, done. This is default deformation setting, deformation shape. We have to close this window because if we want to check clearly, if you want to change view 3D into elevation, ab elevation mein change karna chahte ho to yahan pe dekho kamal ki cheez. This we I want to see this beam from here. From here, so this ID is 4. So what we do, go to the elevation and select 4 and okay, now you can see the beam clearly. Okay, this is the deformation. We have to check bending moment. This is the bending moment icon and these are the directions and we have to check M33 width value. Okay, this is bending moment with self weight considered in 20 kilometer at the center of the point. And if you want to select reaction in Z direction, his reaction is 77, not 10-10, because he considers self weight. If you want to change self weight 0, we have option property modifier, which is discussed in another video. So this is the bending moment shear force diagram and this is the deflection. Okay, if you showing the bending moment diagram, then right click on the beam, a window is appear. Now I'm telling you a very important thing. The graphically results showing on the screen is sometime wrong. If you want to see correct result, right click on the diagram and check in this window. Kabhi kabhi kya hota hai, kabhi kabhi jo display mein, jahan hum directly display mein hum graph dekh rahe hain, wahan kabhi kabhi shear force ke ke result sahi nahi aate. ये स्टेट प्रो में भी प्रॉब्लम है. ठीक है, कुछ ये ग्राफिकल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो आपको राइट क्लिक करना है उसी बीम के ऊपर, तो ये विंडो जो आ जाएगी आपकी, इसमें आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलेंगे. ये आपका देखो लोडिंग डायग्राम है, ये आपका शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन. ओके, तो ये एक वीडियो थी सिंपल, ये ईटैब फुल कोर्स की फर्स्ट वीडियो थी. अगर ये आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और जो भी सपोर्ट करना चाहते हो मेरे वर्क को तो आप डोनेट कर सकते हैं, पैट्रियन कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आप डाटा देख सकते हैं. प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन एंड सपोर्ट माय वर्क. एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दिस सीरीज, सो वी आई वॉन्ट व्यूज. थैंक यू वेरी मच.